लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दोस्तों बहुत खुशी है कि हम काशी में हैं, लेकिन उतना ही सन भी आ रहा है कि हम काशी में ही हैं। दोस्तों कई प्रोजेक्ट चलाए गए इसी नदी को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए। और अभी जब हम इससे पहले जब वहाँ बैठे हुए थे तो एक चाचा थे जो नाव चला रहे थे, उन्होंने कहा कि गंगा जमुना सरस्वती का ये पानी है और इसका कई जगह इस्तेमाल होता है। हम पूजा पाठ में भी इस पानी का बहुत इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है तो इस पानी का इस्तेमाल होता है। लेकिन दोस्तों शर्म तब आती है जब ये सफ़ेद पानी गाढ़े काले रंग में परिवर्तित हो जाता है और इसकी महक बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा ये स्मेल कर रहा है कि समझिए कि ये वही कालिक है जिसको मिटाने के लिए पता नहीं कितने सरकारें आई, पता नहीं कितना वादा किया। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नमामि गंगे, पता नहीं कितना करोड़ रुपए खर्च हुआ, लेकिन आज तक ये जो है वो साफ़ नहीं हो पाया है, ये संगम साफ़ नहीं हो पाया है। और हम आपको एक घाट दिखाने ले जा रहे हैं। ये घाट नहीं है, रविदास घाट जो है यहाँ का ये घाट है। और इस घाट की सच्चाई जो है हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस नाला का नाम है चाचा अस्सी नाला। खुले आम इस संगम में वो नाला मिला दिया जा रहा है। हालांकि कई गाइडलाइन है कि नाली का पानी जो है, सीवर का पानी यहाँ नहीं मिलाया जा सकता, इसको शुद्ध करने के बाद यहाँ मिलाना चाहिए। लेकिन मैं क्या बताऊँ कि पता नहीं लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये अभी एक बार देखेंगे और दिखाएंगे कि कैसे उधर से पानी सीधे यहाँ पर मिलाया जा रहा है, क्यों किसी के नज़र में ये नहीं आ रहा है। और यहाँ के नगर निगम के अधिकारी लोग क्या एसी वाले कमरे में बैठ के सिर्फ आराम तलक ज़िंदगी बिताएंगे या इसके बारे में भी देखेंगे? साहब आप जनता के नौकर हैं, जनता की सेवा करने के लिए बनाए गए हैं और आपकी मुख्य जिम्मेदारी ये थी कि आप एक बार आँख खोल के देखें। लेकिन इन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी का गला घोटा और वो देखिए नाली से सीधे पानी इस सरोवर में मिलाया जा रहा है। बहुत शर्म आ रही है मुझे फिर से ये कहते हुए कि मैं बनारस में हूँ और रविदास घाट में हूँ जो एक फेमस घाट है। अब इसकी महक अब बर्दाश्त नहीं हो रही और मास्क मैंने कहाँ रखा है ये मुझे याद भी नहीं आ रहा है, इसलिए ये एक बार मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये कैसे वहाँ से कैसे इसको मिलाया जा रहा है। कैमरे से आप देख पाएँ तो देखिए, वो देखिए सीधे इसमें मिलाया जा रहा है, कोई शुद्धिकरण नहीं है। कहते हैं कि शुद्ध करने के बाद मिला जा रहा है, लेकिन देखिए गाढ़े काले रंग में यहाँ पे आपको ये पानी नज़र आ रहा होगा, पाइप से सीधे यहाँ पर मिला दिया जा रहा है। तो नगर निगम के अधिकारी लोग कहाँ हैं और साहब आपकी जिम्मेदारी कहाँ तक पूरी होती है ये भी मुझे बताइए। क्या आपके नज़र में ये नहीं दिखा? हालांकि आप बनारस में होंगे और पता नहीं कितनी बार इसी रास्ते आते जाते होंगे, आपने भी ये ज़रूर देखा होगा, लेकिन आपने पता नहीं ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। साहब नमामि गंगे का जो वादा आपने किया था, आपने तो कहा था कि गंगा शुद्ध हो गई है। तो ये अभी आपको एक सबसे बड़ी घटना जो है वो बता रही हूँ मैं आपको। अभी थोड़ी देर पहले जब हम वहाँ पे उस घाट पे थे तो हमने जो है कई पक्षियों को जो दाना दिया था, उस साइबेरियन कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से वो पक्षियाँ आ रही हैं। अब उनके बारे में ये देखिए क्या बता रहे हैं भैया, क्या बता रहे हैं आप? साइबेरिया से हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके और ठंड का पीछा करके पक्षी आते हैं पीछे पीछे। और यहाँ पे यहाँ का दूषित गंदा पानी पी के उनकी मौत हो जाती है, जैसे सीगल जैसी जो पक्षी होते हैं, और भी पक्षी हैं, मैं उनको एलोबरेट नहीं कर पाऊँगा कि एग्जैक्टली उनका नाम क्या है। जैसे सीगल मुझे पता है यहाँ आती है और आके यहाँ का दूषित पानी पी के मर जाते हैं। मतलब हज़ार आते हैं तो समझ लीजिए उसमें से 200-300 मर जाते हैं। इस तरह का गंदा पानी है यहाँ का। यहाँ पे एक संगम है वरुणा नदी और गंगा नदी का। हालांकि सबसे बड़ी चीज़ बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है कि इस जगह का नाम वाराणसी है बनारस के अलावा। वरुणा और अस्सी घाट, इनको मिला के, इन दोनों नामों का समागम करने पर
वाराणसी नाम रखा गया है। वरुणा नदी और 80 घाटों को मिला के वाराणसी नाम रखा गया है। तो वो एक जो सब नदी है, इसको बोलते हैं सब रिवर बोल सकते हैं, वो आके यहाँ पे मिलती है। एक तरह से उसको एक माध्यम भी बना लिया गया है कि जहाँ पे गंगा नहीं पहुँच पा रही है वहाँ पे उस नदी के अंदर नाले और दूषित पानी डंप किया जाए और वो सारा पानी इंटरकनेक्ट होके आके वापस फिर गंगा में गिरता है। लेकिन गंगा को बख्श दें, इट्स अ जनरल रिवर, आप इसको बहने दीजिए, ये खुद ही अपने आप को इम्प्योर कर लेगी, साफ कर लेगी। आप इसके पीछे कोई कैंपेन मत चलाइए, नमामि गंगे या गंगा को साफ करो अभियान या कुछ भी। यहाँ के हम लोकल्स हैं और हम लोग संडे के दिन, पहले अब भी होता है संडे के दिन, कॉलेजेस हो गया या कहीं ना कहीं की संस्था आती है और यहाँ से मरे हुए जानवर तक मैंने खुद निकाला है, कपड़े गंदे और गंदी गंदी चीज़ें निकाल निकाल के हम लोग एक जगह इकट्ठा करके शाम के टाइम बढ़िया दिखाते हैं कि इतना हम लोगों ने निकाला। तो ये भी एक तरह का रिसोर्स है, यहाँ के लोकल्स को भी स्टैंड लेना पड़ेगा, ना गंदा सामान ना फेंक के, और जो गंदा सामान है कुछ पर्टिकुलर महीने में एक दिन आपको योगदान करना पड़ेगा अगर आप इसको गंगा माँ कहते हैं तो। इस नदी का नाम गंगा है और इसको कहते भी हैं कि ये गंगा माँ है। ये वही गंगा माँ है जिसको लेकर हमने पता नहीं कितने धर्म शास्त्र पढ़े, पता नहीं कितनी कहानियाँ पढ़ी, लेकिन हम उसी माँ को गंदा कर रहे हैं। और आपको भी पता होगा कि पूरे पृथ्वी पर पानी का प्रतिशत इतना ज़्यादा है लेकिन पीने के पानी बहुत ज़्यादा कम है। उसका कारण यही है कि हम ऐसे ही नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। यहाँ पर एक घाट था आगे आते वक्त, बताते हैं कि सुबह वहाँ पे धोबी लोग कपड़ा भी धुलते हैं। उस घाट का क्या नाम है? धोबी घाट है चाचा। यहाँ पे एक धोबी जहाँ पे सुबह कपड़ा धोते हैं धोबी लोग, धोबी घाट ना, गाय घाट पे धुला है, पाड़े घाट। तो वहाँ पे जो लोग कपड़ा धुलते हैं वो लोग भी जो साबुन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उससे भी गंगा जो है वो प्रदूषित हो रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन वो तो एक कारण है ही, लेकिन ये वाला तो मतलब क्या ही कहें, इसके लिए तो पता नहीं कितना प्रोजेक्ट बना। और एक लाइन मैं फिर से बोल देती हूँ, हालाँकि लोग कहेंगे कि हर बात में इनको राजनीति सूझती है, तो ये लाइन था कि माँ गंगा ने बुलाया है, मैं बिना बुलाए नहीं आया हूँ, माँ गंगा ने बुलाया था तो मैं आ गया हूँ। साहब आपने हमारे देश के आप प्रधानमंत्री हैं और आपका संसदीय क्षेत्र बनारस है, आपने बनारस में गंगा के लिए पता नहीं कितने बड़े बड़े वादे किए, हालांकि उन वादों पर आप कितना खड़ा उतरे हैं ये सवाल तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूंगी कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है या बनारस के किसी भी अधिकारी तक ये वीडियो पहुँच रही है तो इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, क्योंकि अगर आप लोग एक नाला भी अगर इसमें नाले का गंदा पानी भी अगर आप इस गंगा में मिला रहे हैं तो समझिए कि ये गंगा जितनी प्रदूषित होगी आगे आने वाले समय में आप अपने बच्चों को बता भी नहीं पाएंगे कि गंगा कहते किसे थे। और दूसरी बात, कोरोना काल में कहा गया था कि गंगा काफ़ी शुद्ध हो गई है, तो अभी कोरोना ख़त्म भी नहीं हुआ था लेकिन गंगा काफ़ी प्रदूषित यहाँ पर दिख रही है।